में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। शव के पास से नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप का पर्चा भी फेंका है। शव के नीचे बम दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। बीडीएस की मौके के लिए रवाना हुई है। आरसीओपी धीरेन्द्र पटेल ने घटना की आधिकारिक पुष्टि की है। सहयोगी जुड़े हुए हैं हेमंत, लगातार उनसे चर्चा करेंगे। हेमंत, लगातार लोकतंत्र पर हमला करने की कोशिश नक्सलियों के द्वारा की जाती रही है और हम देखते भी आए हैं, फिर से उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश एक बार फिर से नक्सलियों के द्वारा? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब जब उस क्षेत्र में चुनाव होता है, नक्सली अपना जो आमद है वो देते नजर आते हैं। एक तरीके से जो कहराना हरकत है नक्सलियों की, वो खुलकर सामने आती है। 23 सितंबर को दंतेवाड़ा का उपचुनाव होना है रस्क, और वहां पर लगातार तैयारियां चल रही है किस प्रकार वहां पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है। नक्सलियों की जो आमद है वो कई मतदान केंद्रों में रहती है, तो एक तरीके से सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती है कि वो कैसे वहां पर चुनाव कराए, और उसी को लेकर लगातार तैयारियां वहां पर चल रही है। चुनाव आयोग की टीम वहां पर मौजूद है, लगातार जो सुरक्षा बल के जवान है वो सर्चिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में कल देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, और ये वहां पर जो जंगल में बड़ी मात्रा में नक्सली वहां पर मौजूद थे। और 23 सितंबर को जो चुनाव होना है, तो उस दिन क्या उस दिन की घटना के लिए वहां पर प्लानिंग बन रही थी, उपचुनाव को प्रभावित करने की वहां पर योजना बन रही थी, तो योजना को नाकाम करने की कोशिश हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने की है और 2 नक्सलियों को मार गिराया है। और दोनों नक्सलियों की शिनाख्ती हालांकि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन उनके पास से 9 AM का पिस्टल जब्त किया गया है, और अब जो वहां उस इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है। एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि दंतेवाड़ा का उपचुनाव है, इसके साथ साथ कैसे आम लोगों को सुरक्षा दी जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती वहां पर बनी हुई है। और इसके बाद आज फिर एक सुबह एक घटना होती है कि नक्सली पुलिस मुखबिरी के साथ में एक ग्रामीण की हत्या नक्सलियों ने कर दी है, तो तमाम ऐसे हटकंडे जो नक्सली हैं वो अपना रहे हैं जिससे उपचुनाव प्रभावित हो। हालांकि मुस्तैदी के साथ वहां पर जवान डटे हैं, तो निश्चित तौर पर जो उपचुनाव है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा, लेकिन इस तरह की घटनाओं से लगातार चुनाव को बाधित करने की कोशिश नक्सली करते रहे हैं, और अभी फिलहाल फिर वो एक घटना को अंजाम उन्होंने दिया है। हालांकि अब वहां पर यहां से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है, तमाम सुरक्षा बलों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा है, और वहां पर सर्चिंग अभी भी जारी है। बिल्कुल हेमंत, आप खबरों पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि क्या कुछ नान घोटाले मामले में अपडेट मिलता है और नक्सलियों की कायराना इन हरकतों पे और किस तरह से पुलिस बल सक्रिय होकर इनकी और गिरफ्तारी करते हैं, इनको कैसे मार गिराते हैं, इन तमाम चीजों पर हम दिन भर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए हेमंत आपका बहुत शुक्रिया। लोगों